हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? तो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ विंडोज की सेटिंग जिसको अप्लाई करने के बाद तुम लोग अपने गेम के FPS को काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हो। अब गाइस, ये सेटिंग इनफ नहीं है भाई तुम्हारे FPS को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा भी और सेटिंग्स होती है जिसको तुम अप्लाई कर सकते हो। अब भाई, सभी सेटिंग्स को एक वीडियो में बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, वीडियो भाई बहुत लंबी बन जाएगी। तो उन सभी सेटिंग्स को मैं अपनी आने वाली वीडियोज में कवर करूंगा, तो भाई उसके लिए सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम लोग भाई उन वीडियोज को देख सको, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये जो सभी मैंने सेटिंग्स दे रखी है इन सभी को तुम्हें भाई एक मतलब ट्राई करना है, और एंड में मुझे जरूर बताना कि कौन सी सेटिंग तुम्हारे लिए बेस्ट वर्क करी और क्या इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद तुम्हारे FPS इंक्रीज हुए हैं या फिर नहीं, तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, सेटिंग्स में जाने से पहले सबसे पहले चेक कर लो तुम्हारे जो PC में जो प्रोसेसर लगा हुआ है क्या वो गेमिंग के लिए है फिर नहीं। तो उसके लिए तुम्हें जाना है भाई यहाँ पर अपने दिस PC में, और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। और गाइस, यहाँ पर तुम लोग को तुम्हारे डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा डिवाइस नेम वगैरह। तो हमको बेसिकली काम है यहाँ पर प्रोसेसर का, ठीक है? तो प्रोसेसर तुम लोग चेक कर सकते हो, मेरे में i5 लगा हुआ है। i5 के बाद तुम लोग नंबर देखने को मिलेंगे कुछ नंबर, और उसके एंड में एक लेटर है, जैसे मेरे में यू लेटर है, तुम लोग देख सकते हो। अगर गाइस तुम्हारे में यहाँ पर कोई भी लेटर हो सकता है, जैसे कोई भी से मेरा मतलब है तीन ही लेटर होते हैं बेसिकली, UP और H, ठीक है? तो अगर इन तीनों में से तुम्हारा कोई भी लेटर है तो मुझे मतलब मैं बताता हूँ। कैसे, अगर तुम्हारा यू लेटर है तो समझ जाना तुम्हारे में लो एंड प्रोसेसर है, अगर P है तो समझ जाओ भाई एक मीडियम प्रोसेसर है, अगर तुम्हारे यहाँ पर H अल्फाबेट लिखा हुआ है तो H में होता है भाई हाई एंड जो प्रोसेसर होते हैं वो हाई एंड होते हैं, ठीक है H में। तो बेसिकली ये मतलब बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम्हारे में H है तो समझ जाना भाई तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए बेस्ट है। भाई जैसे मेरे में यू है तो भाई मेरा यू मतलब गेमिंग के लिए नहीं है, इसमें नॉर्मल टास्क मैं कर सकता हूँ, मेरी सिर्फ रैम ज़्यादा है भाई इसीलिए मैं इसमें गेमिंग कर पा रहा हूँ, मतलब नॉर्मल फ्री फायर खेल पाता हूँ। बाकी भाई यहाँ पर अगर मेरी रैम 8 GB से कम होती तो भाई बहुत ज़्यादा लैग करता है, और उसमें भाई LD प्लेयर या फिर मेमो प्लेयर बेस्ट रहेगा अगर तुम्हारे पास रैम कम है। तो ये थी भाई बेसिक जानकारी, अभी चलते हैं सेटिंग पे। ओके गाइस, तो सबसे पहली सेटिंग है वो है यहाँ पर डिसेबल स्टार्टअप एप्स, ठीक है? मतलब यूजलेस वाले जो भी हमको, तो तुम्हें यहाँ पर सर्च करना है स्टार्टअप एप्स, और ये वही एप्स है गाइस जब भी तुम अपने लैपटॉप को या फिर PC को ओपन करते हो तो ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। इससे क्या होता है, तुम्हारा CPU यूज बढ़ जाता है, तुम्हारे मेमोरी पे लोड पड़ता है, जिससे एमुलेटर भाई लैग हो जाता है, मतलब एमुलेटर जो है लैग करने लग जाता है, और FPS तो भाई कहाँ से आएंगे फिर। तो इन सभी ऐप्स को तुम्हें ऑफ कर देना है, मतलब सभी से मेरा मतलब है जो भी तुम्हें यहाँ पर यूजलेस लगता है, जो भी यहाँ पर अनयूज है, उन सभी को तुम्हें ऑफ कर देना है, इससे तुम्हारा मेमोरी यूज कम हो जाएगा और तुम्हारा एमुलेटर बहुत ही स्मूथ चलेगा। ओके गाइस, नंबर सेकंड जो सेटिंग है वो यहाँ पर हमारे पावर मोड को हाई परफॉर्मेंस पे रखना। तो तुम्हें यहाँ पर सर्च करना है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद यहाँ पर तुम्हें टॉप पे सर्च करना है पावर ऑप्शन, ठीक है? तो पावर ऑप्शन लिखोगे, P लिखोगे आ जाएगा पावर ऑप्शन, पावर ऑप्शन पे तुम्हें जाना है, और यहाँ पर तुम्हें भाई तीन मोड देखने को मिलते हैं, बैलेंस मोड और यहाँ पर पावर सेवर और हाई परफॉर्मेंस, ठीक है? तो तुम्हें इसको भाई हाई परफॉर्मेंस पे रखना है, जिससे क्या होगा तुम्हारा जो CPU है भाई एकदम मतलब पावरफुल जाएगा यार, मतलब तुम्हारे CPU में हाई पावर मिलेगी तुम उसको, और वो बहुत ही स्मूथ चलेगा, जिससे तुम्हारा एमुलेटर भी काफ़ी बढ़िया चलेगा और FPS भी भाई बहुत ही स्मूथ आएंगे। थर्ड सेटिंग है गाइस, अपने विंडोज़ के जो विजुअल इफेक्ट है उनको भाई लो पे रखना। तो तुम्हें जाना है दिस PC में, और यहाँ पर तुम्हें राइट क्लिक कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में जाना है तुम्हें यहाँ पर, और उसके बाद गाइस तुम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई एडवांस सेटिंग्स, ठीक है? तो नीचे तुम लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर तुम लोग देखो अपने विंडोज़ के यहाँ पर एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगी तुम्हें, तो उसमें तुम्हें जाना है भाई यहाँ पर। अब गाइस यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस वाले टैब में होंगे तुम लोग यहाँ पर, ठीक है? तो परफॉर्मेंस में तुम्हें सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है? ये यहाँ, और यहाँ पर तुम्हें सेटिंग में क्लिक करना है इसकी, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर जो भी ये बॉक्सेस में टिक है भाई तुम्हें इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे रख लेना है, ठीक है? यहाँ पर तुम लोग को नीचे वाले पे मैंने बेस्ट अपीयर पे रखा हुआ है, लेकिन तुम्हें एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे रख लेना है। इससे क्या होगा, ये सभी अनटिक हो जाएंगे और तुम्हारा जो PC में जो भी यहाँ पर एडवांस मतलब इफेक्ट हैं वो भाई कम हो जाएंगे, जिससे तुम्हारा जो PC है वो पहले से बहुत स्मूथ चलेगा, ठीक है? तो इसमें तुम्हें एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे रख लेना है, इससे तुम्हारा PC बहुत स्मूथ चलेगा पहले से। अब गाइस, अगर तुम्हारे लैपटॉप या फिर PC में कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो भाई उसको अप टू डेट करना है। सबसे पहले तुम्हें जाना है भाई AMD की वेबसाइट पे, अगर तुम्हारे पास AMD का मतलब GPU है तो AMD की वेबसाइट पे चले जाना है, AMD ड्राइवर अपडेट पे क्लिक जाना है तुम्हें,
और यहाँ पर तुम लोग को भाई अपने जो भी तुम्हारा ड्राइवर है उसको मतलब डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पर से तुम लोग डाउनलोड करके उसके लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कर सकते हो। और यहाँ पर तुम लोग अपने स्पेक्स वगैरह को मैनुअली भी मतलब डाउनलोड कर सकते हो, मैनुअली एंटर करके अपने स्पेक्स वगैरह। तो इस तरीके से तुम लोग AMD का डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम्हारे में NVIDIA का लगा हुआ है तो भाई NVIDIA का भी सेम तरीके से कर लेना, मतलब NVIDIA के लिए तुम्हें सर्च करना है NVIDIA ग्राफिक ड्राइवर अपडेट, ठीक है। तो NVIDIA जैसे मैंने AMD लिखा हुआ है तो NVIDIA का तुम लोग को सेम करना है, NVIDIA ड्राइवर अपडेट आ जाएगा। और इसकी वेबसाइट पे तुम्हें जाना है और यहाँ पर भी गए सेम तुम्हें भाई अपने जो ग्राफिक कार्ड है उसको अप टू डेट कर लेना है, क्योंकि भाई जो ग्राफिक कार्ड है वो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार। अगर तुम्हारे पीसी में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो भाई उसका सही से यूज़ करो। तो सेम तरीके से गए तुम लोग NVIDIA का भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, और नीचे भाई तुम लोग को मैनुअली भी तुम लोग अपने ड्राइवर को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ड्राइवर है लेटेस्ट अपडेट करेगा और लेटेस्ट मतलब अप टू डेट हो जाएगा, और भाई उसमें जो भी मतलब अपडेट वगैरह हैं, जो भी भाई यहाँ पर FPS को इनक्रीज करने के जो भी अपडेट है वो भाई आ जाएंगे, ठीक है। तो जिससे तुम्हारा जो पीसी है पहले से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा। तो अपने ड्राइवर को मतलब अपने जो ग्राफिक ड्राइवर है उसको भाई अप टू डेट रखो। अब गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने गेम की कुछ सेटिंग्स है उसको ऑप्टिमाइज तुम्हें करना है। तो सबसे पहले तुम्हें जाना है भाई यहाँ पर डिस्प्ले में ग्राफिक्स को तुम्हें स्मूथ पे रखना है, और यहाँ पर हाई FPS को तुम्हें इनहेंस या फिर हाई पे रखना है। अब बहुत से लोग के हाई पे भाई FPS सही नहीं आते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर इसको इनहेंस पे रख लेना है। जैसे मैं भी भाई इनहेंस पे खेलता हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, तो इनहेंस पे तुम्हें इसको रख लेना है। और बाकी गाइस तुम्हें अदर सेटिंग यहाँ पर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग गाइस तुम्हें नॉर्मल फ्री फायर पे खेलना है, ठीक है। फ्री फायर मैक्स पे मत खेलना भाई, बहुत लैग करेगा। मेरा तो भाई चल जाता है क्योंकि मैं बहुत कम खेलता हूँ आजकल, वीडियोस के लिए बना रहा हूँ, तो भाई मेरा फ्री फायर मैक्स में ऐसी नॉर्मल खेलता हूँ, लेकिन फ्री फायर तुम्हें नॉर्मल पे खेलना है। बाकी गाइस तुम्हें एमुलेटर सेटिंग जो भी मैंने रखी हुई है वही तुम्हें रख लेनी है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है बेस्ट लो एंड पीसी वालों के लिए, तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी भाई, उसको देखो भाई काफ़ी बढ़िया, उससे तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो वो सेटिंग तुम्हें रख लेनी है, और जो भी मैंने सेटिंग्स तुम्हें बताई है ये सभी सेटिंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें कॉपी कर लेनी है। अगर तुम्हारा बहुत ही लो एंड पीसी है तो भाई तुम लोग को 540 वाला रेजोल्यूशन रख लेना है, मतलब 540 वाला, और अगर नॉर्मल है तो 720 भी रख सकते हो। और ये जो सेटिंग मैंने रखी हुई है ये तुम्हें कॉपी कर लेनी है, इससे तुम्हारा एमुलेटर क्रैश भी नहीं होगा और एमुलेटर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और गाइस यहाँ पर इंटरफेस रेंडर, यहाँ पर STC टेक्सचर, भाई तुम्हें अगर लैपटॉप है तो सॉफ्टवेयर रख लेना है, अगर पीसी है तो हार्डवेयर रख लेना। GPU इन यूज़ ऑन होना चाहिए। बाकी सेटिंग्स गए तुम लोग मेरी वीडियोस में, मतलब मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वहाँ से तुम लोग भाई इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो, क्योंकि भाई अभी और बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गाइस ये थी कुछ सेटिंग्स जिसको अप्लाई करके तुम अपने गेम को भाई बहुत स्मूथ कर सकते हो। और मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा, फ्री फायर मैक्स में मत खेलना, नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड करो। वीडियोस तुमको भाई यूट्यूब पे मिल जाएंगी कैसे डाउनलोड करना है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस ये थी कुछ सेटिंग्स, 5 सेटिंग्स जो मैंने यहाँ पर तुमको इस वीडियो में बताई। अभी और भी कुछ सेटिंग्स हैं, उनको जानने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मेरी आने वाली वीडियोज़ में मैं सभी को कवर करूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, लव यू ऑल।